पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। सिद्धू कांग्रेस में होते हुए भी बार बार अमरिंदर सिंह पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव से पहले सिद्धू विपक्ष में बैठी बीजेपी और अकाली दल को भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे रहे हैं। बेअदबी मामले को लेकर कांग्रेस पहले ही राज्य में घिरी हुई है और इसी मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो शेयर कर अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। एक वीडियो 2016 का है और दूसरा हाल ही का है। इसमें कैप्टन के बेअदबी कांड पर परस्पर विरोधी बयान सुनाई दे रहे हैं। सिद्धू ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, शोर ज्यादा और नतीजा कुछ नहीं। 2016 के वीडियो में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर अकाली दल को जिम्मेदार ठहराते दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि सत्ता में आने पर वो इस मामले की जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी मामले में लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर हमला बोल रहे हैं। उनके करीबी विधायक प्रगट सिंह ने इस मामले में उनका साथ दिया है। कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं ने भी कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मुद्दे पर इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। कांग्रेस नेताओं को डर सता रहा है कि बेअदबी मामले को उठाकर उन्होंने पिछले चुनाव में अकाली और बीजेपी को हराया था, लेकिन अगले साल फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में वो एक बार फिर किस मुंह से जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। इस वजह से कांग्रेस नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी अमरिंदर सिंह आरोपियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।